स्टूडेंट्स, आज मैं आपको माउंटेन एंड स्क्वायरल को एक्सप्लेन करूंगा। इसके राइटर हैं राल्फ वाल्डो इमर्जन। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल। माउंटेन और स्क्वायरल के बीच एक झगड़ा था, पर्वत और गिलहरी के बीच एक झगड़ा था। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिक। और पहले वाले ने बाद वाले को छोटा और तुच्छ कहा। पहले वाले से अभिप्राय है पर्वत और बाद वाले से अभिप्राय है गिलहरी। तो पर्वत ने गिलहरी को छोटा और तुच्छ कहा। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने जवाब दिया, यू आर डाउटलेसली वेरी बिग, निसंदेह ही तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फेयर। लेकिन सभी प्रकार की छोटी वस्तुएं और मौसम को जब एक साथ लिया जाता है तब वर्ष बनता है। और एंड ए स्फेयर, स्फेयर का मतलब है यहाँ पे स्फेयर का मतलब है पृथ्वी से, दुनिया से। स्फेयर मतलब गोला होता है, तो उस गोले की बात हो रही है जिस गोले पे हम रहते हैं, मतलब पृथ्वी की या संसार की। तो गिलहरी का जवाब है कि सभी प्रकार की छोटी वस्तुओं को और मौसम को एक साथ मिलाने पर वर्ष बनता है और यह पृथ्वी बनती है या यह दुनिया बनती है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और मैं समझती हूँ कि इस मुझे मेरे स्थान में रहने में कोई शर्म की बात नहीं है। मतलब अगर तुम मुझे तुच्छ समझते हो, छोटा समझते हो, सही है कि तुम उससे बड़े हो, मैं छोटी हूँ, लेकिन छोटा होना मेरी समझ से कोई शर्म की बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एस यू एंड If I am not so large as you, you are not so small as I. उसके बाद गिलहरी कह रही है कि यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो। यह बहुत ही गहरा जवाब है। कहने का मतलब कि गिलहरी कुछ इस तरह से कही है कि अगर तुमको अपने बड़े होने का गर्व है तो मुझे अपने छोटे होने का गर्व है। एंड Not half so spry, I will not deny you make a very pretty squirrel track. और ना ही तुम मेरे से आधे भी फुर्तीले हो। गिलहरी का कहना है कि मैं जितना फुर्तीली हूँ, जितना उछल कूद करती हूँ, उसके आधे फुर्तीले भी नहीं हो तुम। तुम एक जड़ हो, एक जगह पे पड़े रहते हो, ये दूसरी बात है कि बहुत विशालकाय। मैं छोटी हूँ पर फुर्तीली हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलती कूदती रहती हूँ। और इस बात से भी मुझे इनकार नहीं है कि तुम गिलहरियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक रास्ता बनाते हो, यह भी सच है। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं अलग अलग हैं। ऑल इज वेल एंड वाइडली पुट, और सब कुछ अच्छा है और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक रखा गया है। बुद्धिमत्तापूर्वक रखा गया से मतलब है कि ईश्वर ने सब चीज़ों को बहुत ही संतुलित तरीके से इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में व्यवस्थित किया है। कोई चीज़ छोटी है तो उसका अपना महत्व है, कोई बड़ी है तो उसका अपना महत्व है। और एक दृष्टि में ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया गया है। If I cannot carry forest on my back, यदि मैं जंगल को अपने पीठ पर नहीं रख सकती जैसा कि तुम रखते हो, पहाड़ पे क्योंकि बहुत विशाल काय होता है और इस पे जंगल वगैरह भी होते हैं, तो गिलहरी का कहना है कि जिस तरह से तुम पीठ पर पहाड़ रखते हो मैं नहीं रख सकती। लेकिन neither can you crack a nut, अगर मैं अपने पीठ पे जंगलों को नहीं रख सकती तो तुम भी
एक छोटा सा अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं।